हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होम फूड इज़ गुड। तो आज हम बनाने वाले हैं कच्चे आम की लौंजी। तो ये आप रोटी के संग, पराठे के संग, स्टफ़ पराठे के संग, पूड़ी के संग, किसी के संग भी खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही स्वादिष्ट होती है। मैं तो इसको नॉर्मली रूखी ही खा लेती हूँ, मेरे बच्चों को बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही चटपटी सी बनती है। तो करना कुछ नहीं है, हमने एक पैन लेना है और उसमें थोड़ा सा ऑयल डालना है और फिर हमने जीरा डालना है और उसको अच्छे से हमने पॉपअप होने देना है। पॉपअप होने के बाद हम यहाँ पे थोड़ी सी हींग डाल देंगे। हींग डालने के बाद जैसे ही ये थोड़ी सी भुन जाएगी, इसकी खुशबू आने लग जाएगी, हम डाल देंगे एक चम्मच हल्दी पाउडर। हम भर के एक चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। उसके बाद डाल देंगे कच्चा आम, जिसको हमने छिल के अच्छे से छोटे छोटे टुकड़े हमने काट लिए हैं और बिल्कुल छोटे छोटे काटेंगे ताकि ये अच्छे से गल जाए और जल्दी गले। और फिर हम इसको कर लेंगे सिम गैस पे थोड़ा सा फ्राई और फिर हम डालेंगे इसके अंदर थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार और थोड़ा सा मिर्ची पाउडर और फिर हम इसके अंदर इसको मिक्स करने के बाद डाल देंगे पानी और पानी करके हम इसको कर देंगे मिक्स और फिर तेज़ गैस करके हम दिलाएंगे इसको एक उबाला और फिर इसके अंदर डालेंगे दो गुड़ की गुठलियाँ और फिर हम इसको थोड़ी देर और पकाएंगे। 10 मिनट पकाने के बाद ये हो जाएगी बिल्कुल तैयार। कुछ ऐसी कंसिस्टेंसी रहेगी इसकी और बिल्कुल रेडी टू सर्व है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।